हेलो एवरीवन, आज हम पाठ पढ़ेंगे छठा चौथी क्लास का, जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। इसमें छोटा सा बच्चा है जो अपने बड़े भाई को बोलता है कि भैया मेरे लिए आप एक नाव बना दीजिए, बारिश आ रही है। तो चलिए पढ़ते हैं। नाव बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, कि मेरे बड़े भैया जो हैं, भैया आप जल्दी आ जाइए और मेरे लिए एक नाव बना दीजिए। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। वह देखो पानी आया है, देखिए बारिश आ रही है, घिर घिर कर बादल छाया, यानी कि आसमान में बहुत बादल छा चुके हैं, सात समुंदर भर लाया है। और वो बादल जो हैं सातों के सातों समुंदर का पानी अपने अंदर भर कर ले आए हैं। तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ, और तुम भी इसमें रस का सागर भर दो, यानी कि तुम भी मेरे लिए नाव बना दो जिसको मैं ये बारिश के पानी में बहाऊँगा या तैराऊँगा, इसलिए भैया मेरे जल्दी से आ जाओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, यानी कि आज सच में बहुत बारिश होने वाली है, लंबी चौड़ी गली भरेगा, और हमारी यह जो लंबी और चौड़ी गली है उसको भी आज ये पानी से भर देंगे। लाकर घर में नदी धरेगा, और इतनी बारिश भी हो सकती है कि ऐसा लगेगा कि जैसे घर में ही नदी आ गई है, नदी बन गई है। ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ, ऐसे में तुम भी जल्दी से लहराओ, यानी कि मेरे साथ आओ और मेरे लिए नाव बना दो। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। गुल्लक भारी अपनी खोलो, यानी कि आपकी जो भारी गुल्लक है जिसमें ज़्यादा पैसे हैं वही खोलो, मेरे वाली गुल्लक जो है वो हल्की है, उसको मत टटोलो, उसको मत ढूंढो या उसमें मत देखो। पैसे नए नए ही रोलो, और आपकी जो भारी वाली गुल्लक है उसमें से नए नए पैसे जो हैं वो ही निकालो। फिर बाजार लपक तुम लाओ भैया मेरे जल्दी आओ, और फिर जल्दी से बाजार में जाओ और जो सामान हमें नाव बनाने के लिए चाहिए वो सब लेकर आओ भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज़ रंगीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। अब वो बच्चा जो अपने बड़े भैया को बोलता है कि जो एक चमकीला सा कागज़ ले आओ, लाल हरा या नीला पीला कोई भी कलर हो सब चलेगा, लाल हरा या नीला या पीला कोई भी रंग होगा सब चलेगा, रंग बिरंगा खूब रंगीला। या फिर ये भी हो सकता है कि उसमें बहुत सारे रंग एक साथ हो, रंगीला सा कागज हो चमकीला वो भी। कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ, और जल्दी से कैंची वगैरह और पेपर वगैरह कागज़ सब लेकर आ जाओ, और अपने हाथों को जल्दी जल्दी चलाओ और एक नाव मेरे लिए तैयार कर दो। छप छप कर कूड़े में अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आँखों चढ़ती गढ़ती। छप छप कर कूड़े में अड़ती, यानी कि जो हम नाव बनाएंगे वो छप छप करते हुए चलती रहेगी, कभी कूड़े में अड़ जाएगी या उसकी वजह से रुक जाएगी, और बूंदों और लहरों की वजह से वो उनको लड़ती हुई पार करती हुई आगे बढ़ती रहेगी। सबकी आँखों चढ़ती गढ़ती, और सबकी आँखों को वो बहुत भाती हुई आगे की तरफ चलती रहेगी। नाव तैरा मुझको हरसाओ भैया मेरे जल्दी आओ, और अब उस नाव को लेकर आओ, उसको तैरा दो पानी में, बारिश के पानी में, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। हर्ष का मतलब यहाँ पर होता है खुशी, जिससे कि मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो आप वो नाव को तैरा कर मुझे वो खुशी दे दीजिए भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का। तो उसके बड़े भैया जो हैं वो उसे बोलते हैं कि यह काम मेरे बस का नहीं है। तो उनसे पूछता है बच्चा, क्यों अगर यह आपके बस का नहीं है तो फिर ये किसके बस का है। खोट सभी है बस आलस का, खोट यहाँ मतलब दोष या गलती, दोष किसका है, सब आलस का है, आप आलसी हैं इसलिए आप नहीं आना चाहते। आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ, अगर आप इस आलस को छोड़ देंगे तो आप सब कर पाएंगे। तो भैया इस आलस को छोड़िए और जल्दी से आ जाइए। ये हमारी पोयम थी, इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना बनाया या किया और क्यों। अब आपको बताना है कि जब ये लाइन आई थी कि क्या कहते मेरे क्या बस का, तो भैया ने क्या बहाना बनाया था। भैया ने कहा था कि यह काम जो है मेरे बस का नहीं है।
यह काम मेरे बस का नहीं है, यानी कि यह काम मैं नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने यह बहाना किस लिए बनाया था? क्योंकि वो आलसी थे, उन्हें आलस आ रहा था, क्योंकि उन्हें आलस आ रहा था और उनका मन वो काम करने का नहीं था। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है? वो जो नाव उन्होंने बनाई है, वो जो है बूंदों और लहरों से लड़ती और बढ़ती हुई आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो, किसकी गुल्लक भारी है और किसकी हल्की है? जो वो बड़े भाई हैं उनकी गुल्लक जो है वो भारी है, और जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसकी गुल्लक जो हल्की है। आगे है नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता को पढ़ो, हमें एक बार फिर से उसको रिवाइज करना क्या है। इस कविता में नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। इसमें क्या बताएगी, नाव को कैसे बनाते हैं और फिर वो कैसे पानी में चलती रहती है, अपना सफ़र पूरा करती है, यानी कि यात्रा पूरी करती है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अगर तुम वो नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। अब आपको अपनी कहानी सुनानी है, शुरुआत हम कर देते हैं तो उस शुरू में थोड़ा सा बता देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ और मुझे एक लड़के ने बनाया है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। अब नाव है, उसको उस बच्चे का नाम नहीं पता जिसने उसे बनाया है, पर उसके आगे अभी आपको लिखना है लेकिन या पर। वह मुझे बनाकर बहुत खुश था, मुझे बनाकर बहुत खुश था, और जब बारिश आई तो उसने मुझे बारिश के पानी में साथ में बहा दिया, या फिर उसने और भी ऐसी ऐसी बहुत सारी नाव बनाई थी और वो उन सब के साथ खेल रहा था। आप जो चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं, अपनी कहानी आपको लिखनी है। आपको ये सोचना है कि आप नाव हो और आपके साथ क्या क्या हुआ उस टाइम पर, वो सब आपको ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, लाइन दी हुई है, वहाँ पर लिखना है। आहा बारिश, तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखना है। अभी बारिश पर अगर आपने कभी भी कोई भी लोकगीत, यानी कि पुराने टाइम में जो गाने गाते थे वो, या फिर कोई भी कविता पढ़े हैं पहले की क्लासेस में, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है पूरा का पूरा, कि बारिश आती है तो क्या क्या होता है। नेक्स्ट है, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। अब ये कविता पढ़ी थी तो इसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा था कि ऐसे उसने नाव बनाई होगी वो बच्चे ने, फिर वो उस नाव को चला रहे होंगे, पानी में उन्होंने छोड़ दिया होगा। तो क्या क्या जो भी आपके मन में आया है वो आप यहाँ पर चित्र बना सकते हैं, या फिर आप उसके बारे में लिख भी सकते हैं। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ। अब आपको कोई भी दो सेंटेंसेस बनाने हैं सचमुच का इस्तेमाल करते हुए, कि सचमुच के साथ हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, या एक सेंटेंस और बनाना है कि तुमने सचमुच यह काम किया, हम ये दो वाक्य भी बना सकते हैं। अगर अगर आप कुछ और बनाना चाहें तो आप और भी बना सकते हैं, लेकिन यूज़ आपको कौन से उसका, आपको कौन से अक्षर का इस्तेमाल करना शब्द का, वो है सचमुच। सात समुंदर, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। अभी इसमें क्या है, उन्होंने बोला कि घिर घिर कर जो बादल छाए हुए हैं वो अपने अंदर सातों समुंदर का पानी भरकर लेकर आए हैं। पता करो सात समुंदर कौन कौन से होंगे जिनसे बादल जो है पानी भरकर लेकर आते हैं। तो आपको उन सात समुंदरों के नाम लिखने हैं, जिसमें से पहला है हिंद महासागर, इन सब के साथ में लगेगा। उसके बाद अब प्रशांत, अटलांटिक,
उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के बाद एक दक्षिणी ध्रुव, फिर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये जो हैं सात महासागर हैं दुनिया के, जहाँ से बादल जो है अपना पानी लेकर आते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और इन सब के साथ महासागर लगेगा कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। आगे है, क्या सचमुच बारिश से के बादल समुंदर से पानी लाते हैं, और वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता लगाओ। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकती हो या ले सकते हो। तो बारिश का जो पानी है वो जो है बादल सच में समुंदर से लेकर आते हैं, जैसे कि ये लगा लीजिए कि आपका समुंदर है। जब बहुत ज़्यादा रोशनी होती है या धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, या वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ये पानी जो है वो वाष्प में बदल जाता है, यानी कि इसकी भाप बन जाती है और वो ऊपर की तरफ उठता है और ये जो है बादलों में चला जाता है, और इसी से फिर बादल बनते हैं। और जब ये भाप ठंडी हो जाती है तो वापस से फिर बारिश के रूप में ये फिर से नीचे आ जाते हैं, फिर बारिश होती है और ये फिर नीचे आ जाते हैं। तो सागर का पानी महासागर का पानी ही है, जो पहले गर्मी की वजह से भाप में बदल जाता है, और जब वो पानी ऊपर जाके ठंडा हो जाता है तो बारिश के रूप में फिर से नीचे आ जाता है। तरह तरह की नाव। अब नाव किस किस तरह की होती है? तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। अब आपको बताना है कि आप पेपर से फोल्ड कर कैसी कैसी नाव बना सकते हैं, और वो नाव का आपको इधर लिखना है कि आपने उस पेपर को कैसे कैसे फोल्ड किया, क्या क्या किया, और कैसे वो आपकी नाव बनी। आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? अब आपको क्या क्या करते हैं आप उन टाइम पे, ये सब चीज़ें बतानी है। पहला है, बरसात के दिनों में अक्सर घरों में दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। अगर इनसे आएगी तो हम क्या करेंगे, अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देंगे जिससे कि पानी घर के अंदर ना आए। कभी कभी छत से पानी टपकता है या सीलन भी आ जाती है। जब छत से पानी टपकता है तो क्या करेंगे, छत के ऊपर प्लास्टिक का पेपर लगा दिया जाता है, प्लास्टिक पेपर, जिससे कि पानी ना टपके। और उसके बाद भी अगर पानी टपक रहा होता है तो नीचे बाल्टी लगा दी जाती है कि पानी जो है उस बकेट में ही जाए, कहीं भी इधर उधर ना फैले। और उसके बाद में जब बारिश का मौसम चला जाता है तो छत की मरम्मत फिर करवा ली जाती है, जिससे कि अगली बारिश में घर ना टपके। आगे है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। अब बारिश आने पर क्या होगा, अगर ज़ोर से बारिश आएगी तो आपके गलियों और सड़कों पर जो है पानी भर जाएगा, और आपके चलने के लिए भी रास्ता नहीं बचेगा। ये भी नहीं पता चलता कि गड्ढा कहाँ पर है और सड़क कहाँ पर है ज़्यादा बारिश होने की वजह से, और फिर धीरे धीरे वो जो है पानी उतर जाता है, या फिर जो लोग हैं वो आके उसे उतार देते हैं, जिससे कि पानी जो है फिर सीवर में चला जाता है और गलियां फिर से सूख जाती हैं। तो ये था हमारा लेसन। अभी आगे है इसमें काम वाले शब्द। अब काम वाले शब्द कौन से होते हैं? जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो वो सब आते हैं काम वाले शब्द में। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा है था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। बनाना यानी कि खाना बनाना या रोटी बनाना, कोई भी चीज़ बनाना, वो क्या है, काम वाला शब्द है। अब काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, क्रिया।
और रिमझिम जो है आपकी बुक का नाम है, इसलिए उन्होंने रिमझिम लिखा इधर। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छाटो और नीचे लिखो। अभी आपको क्या करना है, ये जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर आपको उन सारे जो है काम वाले शब्द जितने भी आए हैं या जितने आपको लगता है कि वो काम वाले शब्द हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। जैसे एक हो गया आना, पढ़ना, खोलना, लड़ना, उसके बाद धरना, चलना, मतलब जो भी आप क्रियाएं करेंगे, आपकी एक्टिविटी होगी जिसमें भी आपके शरीर की गतिविधि होगी, वो सब होते हैं काम वाले शब्द। ये हुए हमारे काम वाले शब्द। अब इसमें क्या करना है, तुमने जो क्रियाएं छाटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे एक दो तीन आदि लिखकर उन्हें कर्म में लगाओ। अब वर्णमाला के हिसाब से क्या कि जैसे पहले अ आता है, फिर आ, ई, ऊ, री, ऐसे आपको ज्ञ तक जाना है। और जितने भी वर्ड्स हमने ऊपर लिखे हैं उनमें से ही बताना है कि पहले पे कौन सा आएगा और दूसरे पे कौन सा आएगा, और उनको ऐसे नीचे लिखते जाना है लाइन से। जैसे पहले नंबर पे आ गया ये, अब आ के बाद इनमें से क्या आता है, ख, तो उसके बाद आ जाएगा हमारा खोलना, फिर ग, गणना, उसके बाद च। ये सब आपको वर्णमाला के हिसाब से लगाने हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा धरना, फिर पढ़ना। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि ये दोनों शब्द जो हैं आपके ल से शुरू होते हैं, तो ल के बाद हम दूसरा वाला शब्द देखेंगे कौन सा पहले आता है। तो पहले आता है ड़, तो सेवन नंबर पे आ जाएगा, सातवें नंबर पे आएगा आपका लड़ना, और आठवें पे आ जाएगा आपका लाना। तो ये हो गए आपके काम वाले शब्द यानी कि क्रिया, और ये हो गए उनको वर्णमाला के अनुसार जो आपने क्रम में लिखा है। तो ये हमारा लेसन जो है कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम था नाव बनाओ, नाव बनाओ।